साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है, नुकसान पहुंचाएगा चाहे वो आरजेडी हो या कोई भी पार्टी का लोग हो, तो वहाँ पे इतने बड़े स्तर पे हम लोग रहेंगे कि किसी को वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं अभी जो मठ है और मैं सबसे ऊपरी जो मंदिर है सबसे ऊपरी भाग पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ से देख सकते हैं कितनी अच्छा व्यू दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लग रहा है जो बैठा हुआ हूँ, इतना डर भी लग रहा है अंदर से। और यहाँ नीचे तो दिख रहा है जो गौशाला है और ये जो बता दें जो मंदिर है जो मठ है वो 400 साल पुराना है दोस्तों। तो यहाँ जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं और भी ज़्यादा चर्चित में हो गया है जो त्रेत मठ जो दोस्तों। तो अब भी आइए, अगर बिहार से हैं तो ज़रूर से ज़रूर आइए और बिहार के कई जिले भी हैं तो आप लोग आइए। और इनका दरबार लगता था छतरपुर में, तो उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिहार में ही ये सौभाग्य मिल रहा है बाबा से मिलने के लिए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइए दोस्तों। और यहाँ से देखिए जो दीप दरबार लगेगा जो आप देख रहे हैं सामने पंडाल बन रहा है और वहीं पर दीप दरबार लगेगा बाबा का। बाबा मन की बात जान लेते हैं तो आप लोग आइए। सामने आपको दिख रहा है वो यज्ञ जो हवन कुंड है दोस्तों, यहाँ पर हवन कुंड होगा और जो गौशाला नीचे है और यहाँ पर बहुत सारे बगीचा भी है। भैया एक बैठे हुए हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों ये भैया मिल गए हैं और यहीं पर बैठे हुए थे, तो भैया अभी बैठे हुए हैं इतना ऊंचा, आपको डर नहीं लग रहा है? डर तो लग ही रहा है लेकिन भगवान के शरण में आए हुए हैं इसलिए उतना डर नहीं लग रहा है। हम लोग तो अस्थाई यहीं पे नवलपुर निवासी हैं, हमेशा यहाँ आके यहाँ पर आपका बगल में नवलपुर में बस 2 किलोमीटर आगे मेरा घर हुआ। अच्छा। मैं तो हम तो हमेशा ही आते रहते यहाँ, हमेशा आते रहते हैं। हाँ, और बाबा जी आ रहे हैं तो यहाँ बस तैयारी देखने आए हैं, क्योंकि मेरे सारे दोस्त यार सब लोग यहीं पे बहुत दिन बाद आज ऐसे ये बंद रहता है। अच्छा, सीढ़ी इस पर चढ़ने के लिए आज बहुत इस पर काम लगा हुआ, इसलिए खुला हुआ है, इस पर नहीं चढ़ सकते हैं। नहीं आम दिनों में इस पर चढ़ना अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है तो यहाँ पर बाबा से मिलिएगा, आएंगे तो मिलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उससे क्या पूछिएगा कुछ? देखिए अर्जी लगेगी तब ना, अर्जी लगे तो अर्जी लगने। और यहाँ पर कितने लोग आएंगे, क्या क्या व्यवस्था? तो 40 काउंटर लगेगा खाने पीने के, 1.5 लाख लोगों के खाने पीने के प्रतिदिन आएंगे, व्यवस्था की जाएगी। ये सारा रहने सहने का वो देख रहे हैं, आगे वो बन रहा है मतलब शिविर बन रहा है। हाँ, खेड़ी में पंचमुखी हनुमान जी के नाम से वो हॉस्पिटल रहेगा, उस पर डॉक्टर रहेंगे, वहाँ मतलब 1-2 लाख आदमी किसी का भी तबीयत बिगड़ सकता है। अच्छा, उसके लिए हॉस्पिटल का सारी व्यवस्था किया गया है, मतलब कोई यहाँ जो लोग आएंगे तो कोई मतलब उनको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए उस रास्ते से जो एम्स को रास्ता जोड़ता है उससे ये पार्किंग के लिए 50-60 हज़ार गाड़ी का व्यवस्था इधर किया गया, उधर देखिए रोड बन रहा है। अच्छा। गाड़ी इधर नहीं आएगी, सारा गाड़ी उधर उस रोड से उधर और उधर दिखता सर मेरा रोड है उस तरफ का गाड़ी उस तरफ ही रुकेगा। अच्छा, ये कितने एरिया में अभी बढ़ रहा है इसका? पूरा 40 बीघा में इनका स्थान का। 40 बीघा? 40 बीघा इनका मतलब अपना है। और ये पूरा कितना में बन रहा है? ये इतना अंदाजा हम नहीं लगा सकते, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1300 बीघा में ये सब पूरा बन रहा है। रकबा हो सकता है ना, क्योंकि पूरा खाली है अभी इसके मौसम में, तो कुछ अनाज उनाज लोग सोच लीजिए दोस्तों 1300 बीघा, आप समझ ही सकते हैं कितना लोग आएंगे। तो पूरा ऐसे भी इस मठ में जो लोग आते थे हमेशा खाना पीने का व्यवस्था फ्री में रहता था यहाँ पे। अच्छा, इसमें लोग रहते भी थे। ये बहुत पुराना मठ है, हम लोग कितने साल पुराना है ये? 400-500 साल लगभग। 400-500 साल? हाँ। और ये इस पर विवाद भी चल रहा है, आपको पता ही होगा। हाँ, तो ये जो तेज प्रताप जी बयान दिया है, अरे वो उस बयान में ये था कि हिंदू मुस्लिम में करवाने आएंगे तो हम विरोध करेंगे, और उनका राजनीति मामला है, राजनीति हर लोग अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, तो ये अब क्या होगा, मतलब रोकने का उनका तो काम। हाँ, और ये तो पटना गांधी मैदान में होने वाला था, तो किस वजह से यहाँ पर फिर? देखिए वहाँ गांधी मैदान में इतना व्यवस्था नहीं किया जा सकता था, वहाँ राजधानी है, राजधानी में इसको मान के पूरा रास्ता जाम हो सकता था गाड़ी की वजह से, लेकिन इनका इतने बहुत ख्याति बहुत बड़ा है इससे, मतलब अमूमन 3-4 लाख लोगों की व्यवस्था करना वहाँ पार्किंग में बहुत मुश्किल हो जाता है,
डीएम संभव नहीं था, नहीं था, इसलिए डीएम ने मना कर दिया। अच्छा, वैसे भी सही है, हनुमान जी के भक्त है तो राम जी के शरण में ही आएंगे। ठकुरबाड़ी यहाँ है, यहाँ पर ठकुरबाड़ी है, तो इस कुमार में राम जी तो थे नहीं, राम जी तो यहाँ है, राम जी यहाँ। किस्मत देखिए यहाँ पे आना था तो आखिर यहाँ पर जो भाग था राम जी के शरण। मान के चलिए कि राम जी ही हनुमान जी को यहाँ बुला लिए, ऐसा कह सकते हैं हम। बालाजी सरकार नितिन शास्त्री जी हैं तो यहाँ पर आ गए, और भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और चलिए और भी हम आपको दिखाते हैं, और हमारे चैनल पर है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और काफ़ी रिस्क लेकर आए हम दोस्तों, और ये परिसर जो ऊपर जाने का है, जो गुम्बद है, इस पर आने का अलाव नहीं है, लेकिन ये जो काम चल रही है तो जिसके वजह से ये गेट खुला हुआ था, हम लोग आए हैं और आप लोग को ये तस्वीर ऊपर से दिखा रहे हैं। चाबी मेन चाबी यहाँ के सोरे जी के हाथ में, क्योंकि दुर्घटना घट जा सकती है, मतलब रैकिंग नहीं है सीढ़ी में, कोई भी बच्चा आके चढ़ सकता है, तो उसके बचाव के लिए वो नहीं है। तो काम चल रहा है, इसे खुला ही यहाँ का, सब लोग आके वो देख लेंगे, फिर भी हम लोग को नीचे उतार लेंगे, क्योंकि इस तरह से बहुत ज्यादा रेलिंग नहीं है तो गिरने का, फोटो खींच रहे हैं इस वजह से, देख लेंगे तो बोलते भी हैं, हम बोलते हैं। दोस्तों देखिए मैं कितना ऊपर आया हुआ हूँ, ऊपर का गुम्बद है सबसे ऊपरी भाग। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।